भारत में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो करती है, पर उनमें से कंप्लीट बहुत कम होते हैं और अपने टाइम पे तो उससे भी कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। पर पिछले कुछ सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल ट्रैक पे काम कर रही है, जिससे देश के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कई सालों से अटके प्रोजेक्ट्स को भी बीजेपी सरकार पूरा कर रही है, तो आज हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में कौन कौन से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट किया, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तेजस को भारत में बनाने की शुरुआत 37 साल पहले हुई थी, जब अगस्त 1983 में भारत सरकार द्वारा लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट को मंजूरी मिली थी, और इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी थी, और साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस नाम दिया था। तेजस एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सबसे ताकतवर ऊर्जा। अटल जी तेजस को 2007 में इंडियन एयरफोर्स में लाने के बारे में प्लान कर रहे थे, पर 2004 में वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर 10 सालों तक तेजस एयरक्राफ्ट पे कोई बात नहीं होती है। पर साल 2016 में तेजस को पहली बार भारत की एयरफोर्स में शामिल किया जाता है और तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर रखा जाता है, जिसका मतलब होता है उड़ने वाला खंजर। पिछले साल भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील की है, जिसमें से भारत को 73 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और 10 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। आप यहां पे तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग वेरिएंट के एयरक्राफ्ट हैं। तेजस मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का अब तक का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। तेजस मार्क 1 में 43 चेंजेस करके और वेरियस चीजों को अपग्रेड करके तेजस मार्क 1A बनाया गया है। इस डील की टोटल कॉस्ट 48,000 करोड़ रुपए है, इसमें से 80 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट 45,696 करोड़ रुपीस है और डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट 1,202 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 पे भी काम कर रहा है और इसे 2025 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान रखा गया है। पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल की 11th रिफाइनरी है और इसको ओडिशा के शहर पारादीप में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हमारे फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई 2002 में रखा था, पर इसे बनते बनते 14 साल लग गए। 7 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ये ईस्टर्न इंडिया का एनर्जी गेटवे है। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 15 MMTPA है, मतलब 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। बहुत समय से दिल्ली में वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मांग हो रही थी, जिसके जरिए दिल्ली से ट्रक्स और बसेस को डाइवर्ट किया जा सके, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम हो और पॉल्यूशन में गिरावट हो। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सबसे पहले 2003 में रखा गया था, पर पुरानी सरकारों के पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं था, तो ये प्रोजेक्ट भी बीच में अटक गया। फिर अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया और नवंबर 2018 में 135 किलोमीटर का 6 लेन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना के देश को दे दिया। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट डेट से पहले ही बना के 27 मई 2018 को देश को दे दिया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2000 में हुई थी और 2005 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था, पर फिर सरकार बदल गई और यह प्रोजेक्ट पे भी काम रुक गया। पर फिर जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, यह प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हुआ और 110 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में किया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 17 साल लग गए। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद दिल्ली से साउदर्न स्टेट के बीच का 380 किलोमीटर का गैप कम हो गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना
बोगीबिल ब्रिज का काम 2002 में शुरू किया गया था और इसे 6 साल में कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन जैसे ही 2004 में सरकार बदली, इस प्रोजेक्ट के लिए भी कांग्रेस के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी कई सालों तक रुका रहा। पर 2015 में मोदी जी ने दोबारा से ये प्रोजेक्ट को शुरू किया और 25 दिसंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और देश को मिला सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज। इस ब्रिज पर ट्रेन, कार, ट्रक्स, बसें सब चलती हैं। ये ब्रिज भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिफेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच 170 किलोमीटर का गैप कम हो गया, जिससे 4 घंटे का ट्रेवल टाइम भी कम हो गया। इस ब्रिज की मदद से भारतीय सेना बहुत ही जल्दी से अरुणाचल प्रदेश के पास इंडो चाइना बॉर्डर पे पहुंच सकती है। 2002 में अटल जी ने इस योजना की नींव रखी थी, पर इस परियोजना को एनवायरमेंट इशू की वजह से 2003 में रोकना पड़ा। फिर 4 साल बाद 2007 में कांग्रेस ने फिर से इस पे काम शुरू किया और कंप्लीट करने की डेट 2014 रखी, पर 2014 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस पे काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। 2014 के बाद से इसकी कंस्ट्रक्शन में तेजी देखने को मिली, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का निर्माण पूरा हो गया। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान में इस टनल का नाम अटल टनल रखा और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल का मेन उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लेह को जोड़ना है और इनके बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम को कम करना है। अटल टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट है। ये टनल 10,000 फीट पे बनाई गई है। इस टनल की लेंथ 9 किलोमीटर है। 1887 में अंग्रेजों ने बिहार के निर्मली से सरायगढ़ के बीच एक रेल ब्रिज बनाया था, जो 1934 में बिहार में आई 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की वजह से ढह गया। इसके चलते बिहार के निर्मली से सरायगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई, जिससे बिहार के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। 2003 में अटल जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, पर कमाल की बात यह है कि इस 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनने में 17 साल लग गए। सितंबर 2020 में मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को 20 अप्रैल 1968 को शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। 10 जून 1990 में इस फर्टिलाइजर प्लांट में एक इंजीनियर की मौत हो गई थी, जिसके बाद पॉलिटिक्स के चलते इस फर्टिलाइजर प्लांट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद हजारों मजदूरों की नौकरियां चली गई। पर 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से इस फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने की मांग की, जिसके बाद 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से शुरू किया और इस फर्टिलाइजर प्लांट को 8,600 करोड़ रुपए की लागत से रिबिल्ड किया गया और दिसंबर 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस फर्टिलाइजर प्लांट से करीबन हर साल 12.7 लाख मेट्रिक टन खाद प्रोड्यूस होगी, साथ में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन फिर से वही बजट की कमी के कारण इसका काम बीच में ही रोक दिया गया। 44 साल के अंतराल में इस परियोजना ने 12 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल देखा। पर 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट में तेजी आई। सरयू कनाल परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट के 14 लाख हेक्टेयर लैंड में सिंचाई, मतलब की इरीगेशन में मदद होगी, जिससे यूपी के 29 लाख किसानों और 6,200 गांव को फायदा होगा। सरयू कनाल परियोजना के निर्माण की टोटल कॉस्ट 9800 करोड़ रुपए, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में खर्च किए गए। 11 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम 2007 में शुरू हुआ था और इसका काम 2016 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 2011 में पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है और कश्मीर में हमारे पानी को रोक रहा है। 2011 में पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया, पर 2013 में भारत ये केस जीत गया। फिर 2014 के बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम करना शुरू किया और 19 में 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का खुद उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 5,700 करोड़ रुपए है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी 330 मेगावाट की है। 201 एकड़ में बना पैक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को 4600 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है, साथ ही ये देश का 100वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस एयरपोर्ट को बनाने की अप्रूवल दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट टल गया।
इसके बाद अक्टूबर 2015 में इसका काम फिर से शुरू हुआ और 24 सितंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और 4 अक्टूबर 2018 को यहां से पहली ऑपरेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये एयरपोर्ट भारत के डिफेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एयरपोर्ट भारत चीन बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट की मदद से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बहुत ही आराम से इंडो चाइना बॉर्डर पे पेट्रोलिंग इवन वॉर सिचुएशन में अटैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने बहुत से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है जिससे मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में पूरा किया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।